वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम तखतपुर नहीं जा रहे हैं, आज हमारा तखतपुर जाना कैंसिल है। आज छोटू जा रहे हैं, गौरेला पेंड्रा जा रहे हैं आम तोड़ने के लिए। तो गाइस भागवत भी बोल रहा था छोटू को मैं भी जाऊंगा गौरेला पेंड्रा आम तोड़ने, इतना सारा लगा है पेड़ में आम, उसको देखने जाऊँगा ऐसा बोल रहा था। तो गाइस पिकअप में ना नहीं जा रहे हैं यार, तो भागवत को नहीं ले रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बाइक पे जाने वाला है ना, इसलिए तो भागवत को नहीं ले रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं, मेरे को भी ले जाओ मेरे को भी ले जाओ। ये देख सकते हैं गाइस सब जा रहे हैं आम तोड़ने के लिए, शेखर छोटू और पीताम्बर। ए उतरते हैं, मैं आ ये लोग आएगा तो मैं दिखाऊंगा कितना सारा आम तोड़ के लाए हैं, उसको सबको दिखाऊंगा मैं। तो गाइस आज तो हम दिन भर खाली रहने वाले हैं, हमारा तो आज कुछ काम नहीं है, तखतपुर जाते थे वो तो अब नहीं जा रहे हैं। आज तो दिन भर छुट्टी रहेगा, मस्त आज इंजॉय करेंगे यार दिन भर आज। तो गाइस आज हम लोग घर में है तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को साफ कर दूँ थोड़ा, इधर उधर बहुत ज़्यादा कीचड़ वीचड़ लगा उसको धो दूँ, मैं और गुरु भांजे मिल के सफाई करेंगे आज गाड़ी का। ये अंदर में भी कितना धूल मिट्टी हो रखा है, इधर पूरा गंदगी हो रखा है, इधर सामने से अगल बगल को सबको धो डालेंगे पोछ देंगे आज ऐसी। ये देखे गाइस मेरा भांजा गाड़ी में पानी मार रहा है और मैं इधर गाड़ी को पोछते पोछते तो पसीने से लथपथ हो चुका हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है गाइस अंदर में बैठा हूँ। तो गाइस मैं पूरी तरह से गाड़ी को साफ कर चुका हूँ, ये देख सकते हैं मस्त पूरा चमक गया है गाड़ी, ये मस्त पूरा चमक चुका है। अब इधर से भी दिखा देता हूँ अंदर से आप लोगों को, अंदर से भी पूरा चमका दिया गाइस, मस्त अब दिख रहा है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस। हम अपने दुकान के लिए सामान इस भैया से लेते हैं रोज़ रोज, ये इसका हेल्पर है, वो रहा पिका वेन, उसमें पूरा दुकान का सामान किराना सामान रहता है। तो गाइस ये वाला वेन है, ये वाला वेन है, इसमें पूरा किराना सामान रहता है पूरा दुकान में ना, मतलब पहुंचा पहुंचा के सबकी दुकान में पहुँचा देता है ये भैया लोग, ये है इसका हेल्पर है। और ये मैं दिखाऊँगा आपको पूरा, ये सब खाने का सामान है, गुटखा बीड़ी पाउच हर चीज़ मिल जाता है, पूरा ठेला दुकान सबका सामान है ये। कुछ बता भाई तो रिया के बारे में आए गजानन निषाद। हाँ तो एक दिन में कतक बिक्री बट्टा हो जाता है तब? वही 30-35 हज़ार तक। हाँ बहुत बढ़िया यार, 30-35 हज़ार तक हो जाता है। तो गाइस अभी तो 10 बजे है, दिन का 10 बजे है, और ये देख सकते हैं ये दिन कैसे सो रहा है अभी, अभी बिना नहा खोरे सोया है अभी, जगा रहा हूँ नहाने के लिए तो नहीं जग रहा है, अभी इसके ऊपर पानी डाल के इसको जगाऊंगा, फिर इसको नहाने के लिए जाने के बोलूंगा। ये गुरु के ऊपर गया पानी, अब कैसे निपटेगा, अब कैसे निपटेगा, अब कैसे निपटेगा। ये क्या है? ये रबड़ी है, दूध मिलकर से बना हुआ है। हाँ कितने वाला है? एक रुपये। हाँ दिखा दो। एक रुपये। ये देखो गाइस मैं इसको जगाया नहाने के लिए और मेरे से पहले आ गया नहाने के लिए। ये रहा हमारा नींबू का पेड़, ये देख सकते हैं एक्का दोक्का नींबू उसमें लगा हुआ है। ये हमारा बी का पेड़ अमरूद, इसमें भी लगा है बहुत सारा लगा है इसमें तो पूरा, इधर देख सकते हैं मस्त, इधर है गाइस पूरा करमट्टा भाजी, ये देख सकते हैं। ये है कोचई का पेड़, इसमें नीचे में जमीन के अंदर रहता है इसमें कोचई। उधर है पपीता का पेड़, है सीताफल का पेड़, इधर है गाइस पूरा खेत तो मस्त है, इधर रोड भी है, उधर खेत जाने वाला मस्त रोड है। गाइस हम लोग जा रहे हैं गौरेला पेंड्रा जा रहे हैं हम लोग, जरूरी में जाना पड़ रहा है हमको, छोटू पहले से चला गया है, अब हमको बुलाया है गाड़ी धर के, तो हम गाड़ी लेके जा रहे हैं गौरेला पेंड्रा। ये देख सकते हैं गाइस हम लोग निकल चुके हैं गौरेला पेंड्रा जाने के लिए। ये गाइस हम लोग मोटर से निकल चुके हैं, इस साइड आ चुके हैं अब गौरेला पेंड्रा जाने के लिए। ये गाइस हम जा चुके सुरंग के अंदर है, ये बहुत जनक रहा है गाइस अंदर में, ये देख सकते गाइस अब मस्त दिख रहा है ये तो अगल बगल में। ये गाइस इतना रोड यहाँ खराब है, कौन से डे में आ रहे हैं कौन सा बांध गाइस।
देख सकते हैं, एक नंबर मस्त पूरा पेड़ ही पेड़ है, एक नंबर पूरा जंगल अंदर है हम लोग अभी, पूरा जंगली ये देख सकते हैं, एकदम मस्त हरा भरा ऐसे, एक नंबर व्यू है यहाँ, पूरा पहाड़ी पहाड़ और जंगल, मज़ा आ गया ऐसे ट्रैवल करने में, बहुत मज़ा आ रहा है यार जी यार, पूरा एक नंबर व्यू है पूरा पहाड़ ये गाइस, पूरा चढ़ाव ही चढ़ाव है गाइस, एकदम पूरा इधर देख सकते खाई जैसा दिख रहा है, पूरा खाई है ये तो तो वहाँ से आए, पूरा एक ही जगह घूम रहे ऐसे लग रहे, पूरा घुमाऊँ ही घुमाऊँ है, पूरा घुमाऊँ ही हेलो, यहाँ से पेंटर 4-5 किलोमीटर और मत है गाइस, ये देख सकते हैं वहाँ से 3-4 किलोमीटर बाकी है, फिर पहुँच जाएंगे ये गाइस। हम लोग गौरेला आ गए हैं, लेकिन हम रास्ता भूल गए थे, ये देख सकते हैं गौरेला शहर, आप केंद्रा शहर है यार, गौरेला बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ बस 5 किलोमीटर बचा है गौरेला, जहाँ हमको जाना है वहाँ पर लाए है हम लोग, गौरेला आए हैं गाइस, लेकिन हम लोग भूल गए हैं, हमको मिल नहीं रहा है वो, यहाँ गौरेला आ गए हैं लेकिन हम हमारा मंजिल नहीं मिल रहा, कहाँ पर है वो लोग पता ही नहीं चल रहा है यार, बहुत ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अभी तक तो कोई नहीं मिला है, मेरे को हंसी भी आ रहा है। तो गाइस हम लोग मिल गए हैं, ये देख सकते हैं, ये रहा छोटी रहा पीताम्बर, मिल गए हैं गाइस हम लोग, बहुत खुशी हो रहा है हमको, मिल गए हैं ये लोग, बहुत इधर उधर भटके हैं हम लोग गाइस, मिलने की कोशिश बहुत हो रहा है क्योंकि बहुत इधर उधर भट गया है, ये देख सकते हैं बहुत देर से फोन लगा रहे थे, इधर आओ उधर आओ ऐसे में बहुत परेशान हो गए थे यार, वो यार यही है क्या कटल के खाना, फिर नहीं खाना फाइनली गाइस सब पहुंच गए अपने लोकेशन पे, ये देख सकते हैं इधर कटहल पड़ा हुआ, ये देख सकते हैं कटहल का पेड़, इसमें कटहल भी लगा हुआ है, इसको अभी तोड़ेंगे फिर ले जाएंगे और आम भी ले जाएंगे, ये देख सकते हैं गाइस सब पूरा अपना परफेक्ट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, ये देखो पीताम्बर भेड़ भी बैठा हुआ है, इधर देख सकते हैं कटहल कितना सारा कटहल लगा हुआ है, इधर भी आम का पेड़ भी है, ये देख सकते हैं पीताम्बर ना बोरी में बैठा है आम का गाइस, ये लोग सुबह से निकले थे, अब जाके हम मिला है इनको, बहुत इधर उधर पूरा पेंडरा छान मारा यार उधर उधर गली में, तब जाके इधर मिला है, ये देख सकते ये रहा इतना बड़ा बड़ा आम है गाइस, ये देख सकते हैं आम तो इतना बड़ा है मस्त पेड़, ये देख सकते हैं ये रहा आम इधर गाइस, गाइस कटहल भी मस्त लगा हुआ है इधर, ये रहा इधर तो ट्रेन नहीं रहा है, ये देख सकते हैं कटहल गाइस, ये भांजा मेरे पानी दे रहा है, मेरे को प्यास लग रहा है, आम कैसे लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट है गाइस, आम ना खट्टा है ना मीठा है, एकदम मस्त एक नंबर लग रहा है, खाने में बहुत मजा आ रहा है, ये रहा इतना बोरिया और बचा है, बाकी सब गाड़ी में लोड हो चुका है, ये रहा देख सकते हैं कटहल को, ये रहा कटहल इतना सारा कटहल, ये देख सकते हैं गाइस अब घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, इधर सब लोग इधर आम भी लोड हो गया है और गाड़ी भी लोड हो गया है, ये देखते हैं विनोद पीताम्बर भांजे छोटू और ये रहा गाइस कटहल का पेड़, बहुत सारा गाइस यहाँ पर, उधर भी मस्त फल लगा हुआ है कटहल का, गाइस एक आध कटहल तोड़ लेते हैं,
सब्जी के लिए आए हैं। तो ये देखो, ये वाला कटहल अभी सबसे ज़्यादा फला हुआ है, ये देख सकते हैं। इधर मस्त फला रहा है गाइस, अरहर क्वालिटी भी मस्त दिख रहा है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए, बहुत अंधेरा हो चुका है इसलिए हम धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग घर पहुँच चुके हैं, बहुत अंधेरा हो चुका तैयारी इसलिए मैं और वीडियो नहीं बना पाया। अब इसी वीडियो को एडिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा लगा, ये बताना मेरे को। मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और